अगर आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है और आप अपने फ्रिज की फॉल्ट को अपने घर पर ठीक करना चाहते हैं और आपके पास इस तरीके का कोई मल्टीमीटर है, तो काफ़ी सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो अपने ही घर पर अपने फ्रिज की फॉल्ट को पहचान लोगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस मल्टीमीटर को, इस तरीके का दो वायर और होते हैं, उन दोनों वायर की हम इसमें कनेक्शंस इसके एक एक होल में एक तरीके से अच्छे से लगा देते हैं। हम इस वायर को इधर लगाएं या ये वाला वायर इधर लगाएं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल इस तरीके का मल्टीमीटर है, तो आप अपने घर पर ही अपनी फ्रिज की फॉल्ट को चेक कर सकोगे। काफ़ी सिंपल और आसान होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग को यहाँ पर इसकी ओल्ड पर लगाते हैं। ये देखिए, जो घर में बिजली का ओल्ड जो है हमारे फ्रिज के लिए प्रॉपर है या नहीं है, उस चीज़ को सबसे पहले चेक करना है। तो चलिए हम बिजली के बोर्ड तक लेकर चलते हैं। फिर यहाँ पर जिस फ्रिज की प्लग वायर को मैंने बिजली की बोर्ड पे लगा रखा है, तो सबसे पहले हम अपने फ्रिज को दिखा देते हैं। ये देखिए, फ्रिज में लाइट जल रहा है। इसी तरीके से अगर आपके फ्रिज का भी लाइट जल रहा होगा और आपकी अगर फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप अपने घर की जो बिजली की पावर की सप्लाई में जो ओल्ट मिल रहा है वो फ्रिज के लिए प्रॉपर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए एक तरीके का मल्टीमीटर यूज़ करके को ओल्ट नापने वाले सेटिंग में यहाँ पर कांटा को रख लिया है। अब इसके बाद सिंपल सा, देखिए सिंपल सा ऑप्शन है, ये प्लग को निकालो, यहाँ पर स्विच ऑन होना चाहिए और ये दोनों पिन को एक एक होल के साथ इस तरीके से लगा दें। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो मल्टीमीटर है उसमें 246 दिखा रहा है। फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि घर की जो बिजली की सप्लाई है फ्रिज के लिए ओल्ट प्रॉपर नहीं मिलते हैं, यानी कि 200 से भी काफ़ी कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में कई बार फ्रिज के अंदर लाइट तो जलता है लेकिन फ्रिज में उसका कंप्रेसर ठीक से काम नहीं कर सकता, जिसके कारण से फ्रिज ठंडा नहीं होता। तो आप तो इस तरीके से चेक कर लेंगे अपने घर के ओल्ट, यानी कि 220-240 है तो पर्याप्त है। अगर एकदम कम होगा तो चेक कर सकते हो और पहचान सकते हो। और आप देखते हैं कि आपकी फ्रिज स्टार्ट नहीं हो रही है, कंप्रेसर लाइट जल रहा है, तो उसके पीछे जो छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं उसको चेक करना है। तो चलिए मैं आपको फ्रिज के पीछे चलकर दिखाता हूँ। उसके लिए फिर देखिए, फ्रिज के पीछे के साइड आ चुके हैं और हम अपने फ्रिज की पावर प्लग से प्लग को अलग कर लिए हैं। अब मैंने जैसे कि बताया, सिंपल एक मल्टीमीटर है, तो आप अपने घर पर ही अपने फ्रिज की फॉल्ट को चेक कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर एक बजर वाला ऑप्शन है, वहाँ पर इसके कांटों को इस तरीके से घुमाना है। ये देखिए, तो यहाँ पर सेट करना है। मैं इसको कुछ यहाँ पर ही ऐसे लटका देता हूँ, ये देख सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें सिर्फ अपने को साउंड सुनना है, तो दोनों को मैं यहाँ पे जुड़ा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छे से साउंड कर रहा है। अब सिंपल आपको क्या करना है, वो चीज़ें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी सिंपल तरीके से पता चल जाएगा। इस कंप्रेसर में छोटे छोटे दो पार्ट लगे हैं, उन दोनों को अलग निकाल लेना है। निकालने से पहले आप उनके फ़ोटो भी ले सकते हैं अगर कन्फ्यूजन्स हो तो। अब यहाँ पर सिंपल देखे, एक एक पार्ट को इस तरीके से चेक करना है। जैसे कि मैं इस वाले पार्ट को चेक कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट यहाँ रखता हूँ, दूसरे वाले को इस साइड लगाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर जो हमारा मल्टीमीटर है बिल्कुल साउंड कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक उसी तरीके से इसको जैसे मैंने निकाला उसी तरीके से वापस इसमें लगा देता हूँ। देखिए, ये दूसरे वाले पार्ट को, फिर इसके वायर्स को निकालता हूँ, अब इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल दो होल बने हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट दोनों होल पर डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके दोनों होल पर डाल दिया है और यहाँ पर ये कुछ शो कर रहा है, नंबर्स देख पा रहे हैं, ये नंबर शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है यानी कि ये जो पार्ट है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये नंबर शो नहीं करेगा तो ये पार्ट ख़राब हो चुका है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है।
तरीके से चेक करने के बाद आप इन दोनों पार्ट में से जो भी पार्ट खराब है उसको मार्केट से जाइए और दूसरा नया वाला पार्ट लेकर आइए और वापस उसी तरीके से लगाएं जिस तरीके से इसमें से इसको निकाले हैं। ये देखिए काफ़ी सिंपल होते हैं, वापस उसी तरीके से लगाना है। तो फिर दोस्तों इस तरीके से अगर आप चेक करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि फ्रिज में सब कुछ सही होता है, सिर्फ घर की जो वोल्टेज है वो फ्रिज को प्रॉपर नहीं मिलता, जिसके कारण से फ्रिज की कंप्रेसर कई बार वर्क नहीं करता है तो उसमें कूलिंग नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में लाइट तो जल रहा है लेकिन फ्रिज में लगे छोटे छोटे दो पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट में से कोई भी पार्ट खराब हो चुका है, जिसको आप सिंपल एक मल्टीमीटर का यूज़ करके चेक कर सकते हो और जो भी पार्ट खराब है उसको नया लाकर चेंज कर सकते हो, जिससे आपके फ्रिज में हो रही प्रॉब्लम घर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।